और आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल नहीं हुए। विश्वास ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार और उर्दू अकेडमी की ओर से निमंत्रित नहीं किया गया था। और वहीं उर्दू अकेडमी के उपाध्यक्ष मजीद देवबंदी ने कहा है कि विश्वास को स्पीड पोस्ट के जरिए निमंत्रण भेजा गया था। विश्वास इससे पहले 2015-16 में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शरीक हुए थे। देवबंदी ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल राजीव जंग और मौजूदा राज्यपाल अनिल बैजल, बीजेपी विधायकों और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी इफ्तार में निमंत्रित किया था।